पंजे मैद पंजाब विच चानण दीवा कितबल धरिए हासिल कित बल भरिए ताक में रखा हुआ और जलता हुआ कदीम दिया इस मल्लाह के नूर की अलामत है जो सुल्तान बाहू की खासल खास तालीम है। ता तमानी इस्म अल्लाह रा बेखवान इस्म अल्लाह बा तो मानत जावेदान। इस महल और आलीशान मस्जिद की तामीर पांचवें सज्जादा नशीन मोहम्मद अमीर सुल्तान की आला सलाहियतों की आईनादार है। सज्जादा नशीन की फनी और इंतजामी अमूर व तामीरी जेब व जीनत से वाबस्तगी उनकी वसत ख्याली और कुशादा कल्बी को भी जाहिर करती है। ये दरबार शरीफ जामे मस्जिद और खूबसूरत महल तो उम्दा कांसी गरी का एक नमूना है जो दरबार कोहना से जसद मुबारक की मुंतकली के बाद 1918 ईस्वी को बुकए तजल्लियात व अनवार की सूरत में मौजूद है। पंजाब और सिंध के अहले फन अपने हुनर और जेबाई के जवाहर परो गए हैं, मगर अफसोस 90 साल के कलील अरसा में कांसी गरी की जो ईंटें जाय हुई उनको दोबारा नसब करने की बजाय आम जदीद टाइलें और मरमर के टुकड़े लगाकर गलत पैवंदकारी की गई। सामने के दरवाजा पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शेख सादी और खुद हजरत सुल्तान बाहू का कलाम औलिया अल्लाह की शान और फजीलत पेश करते हैं। सब कुछ मैं मस्जिद और महल के दरमियानी गैलरी में जिक्र व फिक्र और तिलावत कुरान हकीम का सिलसिला हर वक्त जारी नजर आता है। मर्द जायरीन और खवातीन भी तिलावत में मशगूल हैं।
दरबार शरीफ से मगरबी अहाता के एक कमरा में अल्लाहू हक बाहू हू हू का जिक्र करने वाले परिंदे खुमरे मौजूद हैं। खलीफा पीर लाल शाह हमदानी के मजार के सामने मशरकी कमरा में, जहां अब साहिब मनाकिब सुल्तानी सुल्तान हामिद कादरी मदफून है और साथ दो और मजार भी हैं। दरअसल 6 माह का अरसा महल की तामीर होने तक हजरत सुल्तान बाहू की जाय तदफीन भी रहा है। दरबार कोहना की यादगारें और फैज माब मजार जो मौजूदा दरबार से 3 किलोमीटर पर जनूब की तरफ दरिया चनाब के किनारे पर 155 साल तक तिश्नगान फैज के लिए चश्मा आम रहा, अब उसका कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं। और इससे भी पहले 72 साल अवलीन जाए तदफीन शोरकोट के करीब किला कहरगान में आपका कदीम मजार था। अकीदतमंदों की मन्नतों और तबरकात के हसूल के मंजर भी सामने हैं, मगर सुल्तान बाहू तो कहते हैं सब मतलब हासिल होंदे बाहू जद पीर नजर एक तक के हो। सुभान अल्लाह।